जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे जब तक श्रद्धा स्थानों की कटल नहीं करते थे उनको संतोष नहीं होता था जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है जो जमानत पर है ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजय मगू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है पहले चरण की जो वोटिंग होनी है उन्नीस अप्रैल को उसके लिए तमाम नेता चाहे वो प्रधानमंत्री हों चाहे वो गृह मंत्री हों देश के चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों इसके साथ साथ चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों चाहे वो तेजस्वी यादव हों चाहे वो अखिलेश यादव हों तमाम नेता अपना पसीना बहा रहे हैं जनता को रिझाने के लिए जनता को अपने मुद्दों की तरफ आकर्षित करने के लिए जनता को अपनी बात कहने के लिए अपना एजेंडा बताने के लिए कि एजेंडा क्या है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं किन मुद्दों पर जनता का वोट चाहते हैं नेता इस समय अपना पूरा पसीना बहा रहे हैं लेकिन दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी उधमपुर में थे उधमपुर में उन्होंने जो भाषण दिया वो भाषण आपको सोचने को मजबूर कर सकता है कि क्या देश के अंदर अब यही मुद्दे रह गए हैं प्रधानमंत्री उस भाषण के अंदर जिक्र कर रहे थे मटन का प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे फिश का प्रधानमंत्री कह रहे थे कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं उनका सावन के महीने में मटन बनाने वाला एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे आप पहले प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए एक बार यह चुनावी मनसा थी कि आपने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया आपके लिए चुनाव का खेल है एक किस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति थी भगवान राम को काल्पनिक कहकर कांग्रेस किस वोट बैंक को खुश करना चाहती थी साथियों कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है ये लोग सावन में एक सजाया या सजा याफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है जो जमानत पर है ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं इतना ही नहीं उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के घर गए और उन्होंने वहां पर अपना मटन बनाने का सीखने का मटन कैसे बनाया जाए आप समझते होंगे मटन रेड मीट को मटन कहते हैं तो मटन बनाने का वीडियो उनका चला था और राहुल गांधी ने वो खुद डाला था कि लालू प्रसाद यादव के घर गए और वहाँ जाके ये रेसिपी सीखने की कोशिश की वो बनाना सीखना चाह रहे थे या उनको बनाना आता था या नहीं आता था या राहुल गांधी का क्या एजेंडा था इस बात को लेकर के और प्रधानमंत्री ने उठाया उसे और प्रधानमंत्री ने कहाँ जोड़ा उसे प्रधानमंत्री ने जोड़ा उसको कि राहुल गांधी सावन के महीने में मीट बनाना सीख रहे थे गजब बात है कि अगर कोई व्यक्ति रेसिपी सीख रहा है तो उसके अंदर सावन और भादो वाली बात कहां से आ गई उसके अंदर रमजान और मुहर्रम की बात कहां से आएगी उसके अंदर तमाम जो महीने होते हैं हिंदी कैलेंडर के इंग्लिश कैलेंडर के या मुस्लिम कैलेंडर के उनका जिक्र क्यों होना चाहिए प्रधानमंत्री जो कह रहे थे उसके कहने का एक मकसद है सावन का महीना जो हिंदू समाज के अंदर हिंदू संस्कृति के अंदर हिंदू धर्म के अंदर सनातन धर्म के अंदर भगवान शिव की आराधना का प्रतीक माना गया है सावन का महीना सावन के महीने को माना जाता है कि वो महीना यानी कि सावन के मास में कांवड़ यात्रा होती है सावन के मास में भगवान शिव की शिवरात्रि भी आती है और सावन के महीने में लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं सावन के महीने को पावन पुनीत और पवित्र माना जाता है लेकिन दोस्तों एक बात तो जरूर आती है कि क्या सावन के महीने में आप इसको कोई अन्यथा ना लें कि क्या सावन के महीने में कोई हिंदू जो नॉन वेजिटेरियन हो क्या वो नॉन वेज नहीं खाता सावन के महीने में मेरा एक सवाल है कि अगर कोई जो नॉन वेजिटेरियन है जो ड्रिंकर हैं जो ड्रिंक करते हैं नॉन वेज खाते हैं क्या वो उस समय नॉनवेज नहीं खाते प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो वीडियो इसलिए डाल रहे थे कि आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री कह रहे थे उस वीडियो को इसलिए डाला जा रहा था कि वो आपकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं किसी की टेंडेंसी क्या थी ये आप नहीं कह सकते किसी की क्या सोच थी ये आप क्या नहीं कह सकते लेकिन सावन के महीने का वीडियो और आप उसको फिर अब चैत्र के महीने में ले करके के आ रहे हैं चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री जी वो वीडियो तो सावन के महीने में अगर डला था तो आखिर आपने सावन के महीने में लोगों को आगाह क्यों नहीं कर दिया सावन के बाद तो चुनाव और भी तीन राज्यों में आए थे वहाँ क्यों बात नहीं हुई आज का देश के अंदर कुछ चुनावी मुद्दे नहीं बचे तो आपको लगा कि सावन और मीट का कनेक्शन कर दिया जाए दोस्तों एक वीडियो और चला एक वीडियो वो भी खुद डाला था बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे पूर्व उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने तेजस्वी यादव ने 8 तारीख को एक वीडियो डाला जिसके अंदर वो जो मुकेश सहनी है मुकेश सहनी के साथ बैठे हुए हैं वो प्लेन के अंदर और उस यात्रा के दौरान वो फिश खा रहे हैं आठ तारीख उसके अंदर नोटेड आ रही है आप देखें अगर सोशल मीडिया पर आप देखते हैं अगर आप कोई लोड करते हैं अपलोड करते हैं वीडियो वगैरह तो उसमें डेट भी आ जाती है तो उसमें तारीख आ रही है आठ तारीख लेकिन उसको कहाँ जोड़ा गया कि नवरात्रों में लालू प्रसाद यादव का बेटा फिश खा रहा है तेजस्वी यादव उसको लेकर के तमाम बवाल हुआ गिरिराज प्रसाद से लेकर के और तमाम नेता उसके अंदर सामने एकदम से आ गए पहली बात तो वो आठ तारीख को जिस दिन का वीडियो डला तेजस्वी यादव का उस दिन नवरात्र शुरू नहीं हुए थे दोस्तों नवरात्रि के महीने में मां दुर्गा की शक्ति की आराधना का पर्व होता है नवरात्रि और शक्ति का अगर आप हम आपसे मैं अगर इसमें बात करूंगा तो ये बहुत बड़ी डिबेट बन जाएगी देश के अंदर खासकर जो सनातन संस्कृति के अंदर तीन प्रकार के जो ब्राह्मण माने गए हैं शैव वैष्णव और शाक्त 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 ब्राह्मण वो हैं जो शक्ति के प्रतीक की पूजा करते हैं जिनका निकास सीधे सीधे असम से उड़ीसा से कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा गुजरात का इन तमाम एरिया से शाक्त समुदाय ब्राह्मण वाला आता है और वो शक्ति की पूजा करता है और दोस्तों ये सारे प्रदेश जो मैंने आपको बताए हैं खासकर असम की बात करें खासकर उड़ीसा की बात करें तो वहाँ नॉन वेजिटेरियन समूह बहुत ज़्यादा है बहुतायत में है अगर आप बंगाल में चले जाएं तो नॉन वेजिटेरियन बहुतायत में हैं जो हिंदू समाज के लोग भी हैं वो भी नॉन वेजिटेरियन काफ़ी होते हैं और फिर हम किसकी बात करें हमारे तो श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी झींगा मछली के बहुत शौकीन थे झींगा मछली खाने के तो खाना हमारे समाज के अंदर चाहे वो संविधान के हिसाब से लें और चाहे वो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से लें पर्सनल माना गया है खाना पहनना ये पर्सनल माने गए हालांकि पहनने को लेकर के भी बंदिश होती हैं कि आप ऐसा लिबास पहनकर बाहर ना निकलें जिससे लोगों की नज़र आप पर पड़े लेकिन अब अगर आप पाश्चात्य संस्कृति वाली बात करें आप अगर महानगरों में जाएँ तो फिर पहनावे की भी कोई बात नहीं रही आप किसी के पहनावे पर टिप्पणी करेंगे तो हो सकता है आपको चार बार सुना करके चला जाए लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैली में जिक्र कर रहे हैं कि सावन के महीने में मीट बनाना सीख रहे थे राहुल गांधी मटन बनाना सीख रहे थे दोस्तों कल सर्वे आया था सीएसडीएस का सी एस डी एस जो सरकार से एक संबद्ध संस्था है उस संस्था ने अपना एक सर्वे दिया और उस सर्वे के अंदर जो देश के प्रमुख मुद्दे माने गए जिन मुद्दों को लेकर जनता सोच रही है आप देखें तो प्रधानमंत्री की रैली में जो मुद्दा होता है वो होता है राम मंदिर प्रधानमंत्री की रैली में मुद्दा होता है हिंदुत्व प्रधानमंत्री कई रैलियों में मुद्दा लेकर जाते हैं भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री और देश के गृहमंत्री बीजेपी के नेता अपनी कई रैलियों में राष्ट्र को लेकर के यानी कि राष्ट्रवाद का मुद्दा और इसके साथ में कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि जब से पिछले दस साल का शासन हुआ विदेशों के अंदर भारत की गूंज बढ़ी और जब सी ने जो सर्वे किया है अपना दोस्तों उस सी सर्वे के अंदर आप सुन करके हैरान हो जाएंगे कि 27% परसेंट लोगों के लिए मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी 24% परसेंट लोगों के लिए मुख्य मुद्दा है महंगाई सत्ताईस और चौबीस हुआ इक्यावन यानी कि इक्यावन फीसद जनता जिसको मुद्दा मानती है वो बेरोजगारी और महंगाई है उसके बाद अगर बाकी आते हैं आप वो देख सकते हैं चार्ट इसको आपको गूगल पे मिल जाएगा कि राम मंदिर को लेकर के भी जो सर्वे के अंदर प्रश्न किया गया तो आठ फीसद लोग मानते हैं राम मंदिर का मुद्दा दो फीसद लोग मानते हैं हिंदुत्व का मुद्दा दो फीसद लोगों को इस बात का फर्क पड़ रहा है कि हम विदेशों के अंदर हमारी क्या साख बन गई माफ कीजिएगा जिस मुद्दे को आप इतना बड़ा बताना चाह रहे हैं उससे आम जनता का सरोकार नहीं आम जनता को तो रोजगार चाहिए आम जनता को महंगाई से मुक्ति चाहिए साढ़े चार सौ रुपए वाला सिलेंडर ग्यारह सौ का हो जाता है एक हजार रुपए का हो जाता है लोगों को बड़ी पीड़ा होती है आप कितना ही कर, करने की कोशिश करें लेकिन लोगों के लिए मुद्दा इस समय बड़ा बेरोजगारी और महंगाई बन चुका है और उस तरफ हुक्मरानों को देखना पड़ेगा खैर जो प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो और अंश था उन्होंने एक बात और कही है दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि मुगल जो आदेश थे भारत के अंदर ये देश की दुराज की राजनीति का एक दुर्भाग्य है एक दुराग्रह है हमारे देश की राजनीति का कि भारत का चुनाव होता है भारत के अंदर चुनाव होता है लेकिन हम बात पाकिस्तान की करते हैं वो पाकिस्तान जो हमारी सरकारों के हिसाब से ही आटे का मोहताज है चुनाव के टाइम पे देश की जनता को पाकिस्तान का डर दिखाया जाता है कहा जाता है कि अगर ये जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे फटेंगे आपने पुराने कई वीडियोस सुने होंगे मैं ज़्यादा जिक्र उसका नहीं करना चाहता आपने पुराने कई वीडियोस देखे होंगे कि अगर यहाँ चुनाव जीतेंगे तो पाकिस्तान में मिठाई बटेंगी आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए कौन कौन से नेता इन बातों को कहते रहे हैं मुगलों को लेकर के आया जाता है हमारा देश आज शक, शक्तिशाली देश है और अगर आप मुगलों का डर दिखाने की कोशिश करते हैं या मुगलों को याद दिलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप देश की जनता को हमेशा भयाक्रांत रखना चाहते हैं कह रहे हैं कि उसके अंदर क्योंकि मुगल जब आए थे तो उनको इस बात से दिक्कत नहीं होती थी हमारे राज पर तो कब्जा कर लेते थे बाद में हमारे वो मंदिर तोड़ते थे ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात है और खैर चुनाव आयोग तो आजकल बहुत बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ उसके पास सारी बातें जाती नहीं है लेकिन आम जनता तो हर चीज पर नजर रखती है ना आम जनता तो हर बात को देखती है कह रहे हैं कि मुगल शासन जो थे और मुगल शासकों से तुलना कर रहे हैं वो राहुल गांधी की तेजस्वी यादव की अखिलेश यादव की तमाम लोगों की जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे जब तक श्रद्धा स्थानों की कटल नहीं करते थे उनको संतोष नहीं होता था उनको उसी में मजा आता था वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो मैं जानता हूं मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे मेरे पीछे पड़ जाएंगे लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिड़ता रहे असाज होता रहे समस्या इस अंदाज से है तुष्टिकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है लेकिन ये लोग नहीं जानते जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है साथियों ये जो परिवार चलित पार्टियां हैं ये जो भ्रष्टाचारी है अब इनको फिर मौका नहीं देना है आखिर क्या हो गया है राजनीति को आखिर कब तक आप देश की जनता को मूल बातों से भटका करके इन बातों पर लेकर जाएंगे और अगर केवल इन्हीं बातों पर चला जाएगा जब मेन मुद्दों का समाधान नहीं होगा जो आम आदमी से जुड़ी हुई बात है महंगाई बेरोजगारी इनको लेकर के अगर बात नहीं होगी जब आम आदमी की जेब में पैसा जाए आम आदमी खुशहाल हो नौकरियों के अवसर हो, महंगाई ना हो लोगों को सब्जी खरीदते हुए और राशन की दुकान पर जाते हुए अपने कदम चार कदम पीछे ना हटाने पड़े आज जरूरत उस राजनीति की भी है राम सबके आराध्य हैं राम जन जन के आराध्य हैं। प्रधानमंत्री जी का एक पुराना भाषण था आप सुन सकते हैं अयोध्या में जो उन्होंने बोला था शत प्रतिशत ठीक है लेकिन अगर जब तन पर कपड़ा नहीं होगा पेट में रोटी नहीं होगी छत पर मकान नहीं होगी सर पर छत नहीं होगी यानी कि मकान नहीं होगा माफ़ कीजिएगा तो फिर लोगों को सबसे पहले मुद्दा वही दिखाई देगा जब हाथ को रोज़गार नहीं होगा काम नहीं होगा काम नहीं होगा तो वेतन नहीं मिलेगा वेतन नहीं मिलेगा तो घर नहीं चलेगा घर नहीं चलेगा तो आखिर कैसे काम चलेगा ये मुख्य मुद्दे आम जनता के हैं जिनको आम जनता सोचने को मजबूर है और अगर हुक्मरानों को इन मुद्दों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो ध्यान रखें फिर जनता अपने फैसले खुद भी कभी कभी कठोर कर लिया करती है वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव के मुद्दे मटन फिश और खाने के होने चाहिए आपको क्या लगता है कि भारत जैसा संप्रभुत्व देश उसके अंदर क्या आज भी हुक्मरानों को वो बातें करनी चाहिए पाकिस्तान और बगलों वाली और आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव के मुख्य मुद्दे गौण होते जा रहे हैं क्या उन पर चर्चा नहीं हो रही कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेलाइकन